पशु तस्करी मामला जिसमें सीबीआई के शिकंजे में अब बंगाल के दो अधिकारी भी। इस बीच आपको बता दें, कोलकाता के परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की महारैली को देखकर अब हर किसी को यकीन हो चला है कि इस वक्त बंगाल में परिवर्तन की बयार बह रही है। यकीनन रविवार बीजेपी के लिए सुपर संडे रहा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार मिथुन चक्रवर्ती ने आज कल बीजेपी का दामन थामा परेड मैदान में, और जिस तरह टीएमसी के पूर्व नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि बंगाल में बीजेपी के मिशन 200 प्लस की राह साफ होती दिख रही है। आमी बंगाली, आमी गर्वित, आमी बंगाली। जय श्री राम। मिथुन ने थामा बीजेपी का दामन। भारत माता की। मिथुन हुए बीजेपी में शामिल। दूसरी सियासी पारी बीजेपी के साथ। पीएम मोदी का सुपर संडे। भारत माता की। बंगाल के सियासी रण में रविवार का दिन काफी अहम रहा। अहम इसलिए भी कि बीजेपी ने कोलकाता के इतिहास की न सिर्फ सबसे बड़ी रैली आयोजित की, बल्कि पीएम मोदी की इस महारैली में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर अपनी सियासी पारी बीजेपी के साथ शुरू की। हमारे बीच बांगलार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती 80 और 90 के दशक के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार। मिथुन चक्रवर्ती एक मंझे हुए अभिनेता। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल की माटी का एक मानुष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जिस परेड ग्राउंड पर जन सैलाब उमड़ा था, प्रधानमंत्री के भाषण के लिए जो मंच तैयार था, उसी ब्रिगेड मैदान में जब बंगाल की बड़ी हस्तियों में शुमार मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे और मंच पर उन्होंने बीजेपी का झंडा थामा, तो लोगों का उत्साह हिलोरे मारने लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल के इस बड़े कलाकार ने मंच पर पहुंचते ही बीजेपी का झंडा थामकर लहराकर खुद के प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने का ऐलान कर दिया। मैदान पर मौजूद भीड़ ने भी मिथुन के स्वागत में पार्टी के झंडे लहराए और फिर मंच से नारेबाजी शुरू हो गई। भारत माता की। इसके बाद मंच पर मौजूद बीजेपी के नेताओं ने परंपरा के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती का स्वागत किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इस सुपरस्टार ने रविवार यानी 7 मार्च को बीजेपी का दामन पकड़ अपनी दूसरी सियासी पारी का आगाज किया। इस दौरान मिथुन ने कहा कि आज का दिन उनके लिए एक सपने जैसा है, जहां वो देश के इतने बड़े नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं और वो बीजेपी में शामिल होकर गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। इसके अलावा मिथुन ने कहा कि वो जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं। সেদিন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম কি আমি জীবনে কিছু করব, কিন্তু এই স্বপ্নটা দেখিনি কি আজ আমি এই মঞ্চে যেখানে ভারতবর্ষের সব থেকে বড় বড় লিডার্সরা বসে আছেন, আর তার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট ডেমোক্রেসিস বিগেস্ট লিডার আওয়ার বিলাভেড প্রাইম মিনিস্টার মিস্টার নরেন্দ্র জি মোদি জি या पहुंचेंगे। ये सपना नहीं तो क्या है?
এটা স্বপ্ন নয় তো কি अपने भाषण के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी का नाम लिए बिना बाहरी बनाम भीतरी पर बोलते हुए कहा कि बंगाल में रहने वाला हर शख्स बंगाली है और अगर किसी ने पश्चिम बंगाल की जनता का हक छीनने की कोशिश की तो वो बीच में खड़े हो जाएंगे। मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूँ क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती पूरे देश में मिथुन दा के नाम से भी मशहूर है। इसके अलावा उन्हें एक खास अंदाज में फिल्मी डायलॉग बोलने के लिए भी जाना जाता है और जाहिर सी बात है कि अब बंगाल चुनाव प्रचार में मिथुन दा भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक होंगे। जनता से बात करते हुए मिथुन ने भी अपने खास अंदाज में कहा कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं और वो पानी का सांप नहीं बल्कि कोबरा है। आमी जल ढोड़ाओ नोई बेले बोड़ाओ नोई आमी एकटा कोबरा। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे इसके संकेत उसी वक्त से मिलने लगे थे जब 16 फरवरी को उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इसके बाद पीएम मोदी की रैली से पहले कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कई नेताओं ने इसकी संभावना जताई। बाद में खुद मिथुन ने भी बीजेपी नेताओं से कहा कि वो पीएम की रैली में उनसे मंच पर मुलाकात करना चाहते हैं और अब जब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो उनका कहना है कि वो ग्लोरियस बंगाल देखना चाहते हैं। नाउ व्हाट वी सी के बीजेपी इज मेकिंग ए गवर्नमेंट दैट्स फॉर श्योर एंड इफ वी कैन ऑल फुलफिल प्राइम मिनिस्टर्स ड्रीम दैट वी वांट टू मेक ए सोनार बांग्ला आई विल बी द प्राउडेस्ट मैन। ये मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी सियासी पारी है। इससे पहले ममता बनर्जी उन्हें टीएमसी में लेकर आई थी। 2011 में वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं लेकिन शारदा घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने न सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था बल्कि टीएमसी से भी नाता तोड़ लिया था और आज जब एक बार फिर मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी सियासी पारी बीजेपी के साथ शुरू की है तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उनके पार्टी ज्वाइन करने पर अपनी खुशी जाहिर की है। आदरणीय हमारे मिथुन चक्रवर्ती दादा बंगाल के बंगालियों के एक ब्रांड हैं और लंबे समय से उनका इच्छा भी थी कि बंगाली लोगों के बीच में रह के बंगाल के लोगों का काम करें, सेवा करें। इसी नाते वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन की है। बहुत यहाँ पे आइकॉनिक चेहरा है तो बिल्कुल वो रहेंगे। किस तरीके से आगे काम उनका रहेगा वो पार्टी डिसाइड करेगी आपको ऐसे ऐसे बहुत लोग जो बंगाल के होते हुए भी आज मन में ग्लानी है कि बंगाल जहाँ तक पहुँचना चाहिए नहीं पहुँच पाया है वो भी बंगाल के लिए योगदान देना चाहते हैं। दिनेश त्रिवेदी भी आए थे आज, मिठुन जी आए हैं, कल और कई लोग पार्टी में योगदान करेंगे। जो लोग बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, सब आ रहे हैं। हम सबको लेके आगे बंगाल का परिवर्तन करेंगे। यकीनन रविवार बीजेपी के लिए सुपर संडे रहा क्योंकि जिस तरह टीएमसी के पूर्व नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उसे देखकर तो लगता है कि बंगाल में बीजेपी के मिशन 200 प्लस की राह साफ होती जा रही है। और इस वक्त